देखो उत्ते कला ये है कि एक एमएलए साहब उठ के कल गवर्नर साहब की भाजपा की पिट पिछे आ खलोते पिट उन्हां दी ताकत पाउण लग पे जिन्हां ने पंजाब की किसानी नूं एडी सट मारी। मेरा तो बड़ा स्पष्ट स्पीकर साहब नूं सवाल सी कि देखो जिहड़ा शड्यूल 10 है उहदे च बड़ा स्पष्ट लिखिआ एंटी डिफेक्शन लॉ बनेगा। अज 4 साल पूरे हो गए, कई एमएलए ने छड़ के वजीरां ने, एक तो स्पीकर साहब ने आप शामिल कराया सी कांग्रेस पार्टी च और कई अस्तीफा दे गए सी, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखो एडा वड्डा धोखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ दी उत्तों दी तां नहीं ना कोई ना स्पीकर ना कोई ना असीं सारे वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उस एंटी डिफेक्शन लॉ दीआं धज्जियां उड़ा रहीआं ते उह इत्थे भाजपा की गल करी जाण, उह गल शोक दी नहीं। स्पीकर साहब नूं चलो 10 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 साल बीत गए जी, तुसीं फैसला नहीं दे रहे और इहदे नाल कीदा नुकसान है? खजाने की लुट, क्योंकि तनखावां जा रही ने, सहूलतां मिलियां ने, लोगों को धोखा क्योंकि लोगों ने आपका नुमाइंदा नवा चुन के भेजना, जे ये इन्हों लोग समझ सिखाएंगे जेडे पार्टी तो चुन के गए अज सौदेबाजी करके दूजी च चले गए। सो ये सारी चीज़ा से बड़ा क्लीयर है इस हाउस की मर्यादा को बरकरार कि रखना है। स्पीकर साहब ने अज उन्होंने वरत के कांग्रेस के हक च भाजपा के हक च उन्होंने चला, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। मैं तो मोटी जी गल की थी कि धज्जियां तो तुम बह के उत्ते उड़ा रहे, ये भी नहीं सोचता और ये सारे एमएलए ने रौला पाया कि 4 साल बीत गए कोई फैसला नहीं दे रहे। देखो वो खजाने चो तनखावां जा रही, गड्डी मिली है, गनमैन मिले, घर मिले, फ्लैट मिलया, वो क्यों भार खजाने पै रहा? दूजी गल कि जेड़ा उतो इलैक्शन होंगी जो आपका नवा नुमाइंदा चुन के भेजे, लोगों को क्यों अधिकार उन्होंने खोया गया कि उन्होंने नुमाइंदा विधानसभा च नहीं बैठे? एक तो तुसी सर पिता पुत्र की जिहड़ी किसान खुदकुशी का मामला वह चुकिया सदन दे विच, ते तुसी मंग कीती कि FIR दर्ज होनी चाहिए मुख्यमंत्री ते PPCC जिहड़े प्रेजिडेंट है, की मुद्दा सी ते की तुहाडा तर्क सी इहदे विच? देखो अज सरकार अपने अखीरले पड़ावां ते, 4 साल पूरे हो गए, अखीरला बजट पेश होया, बजट सैशन शुरू होया, वड्डी गल इह है कि हाथी लंघ गया पूंछ रह गई और सरकार ही क्लेम कर रही है अपने गवर्नर एड्रेस से कि असी तो जी सारे दे कर्जे माफ करते, क्योंकि झूठ बोलना पवित्र सदन च मैं समझदा बड़ी गलत गल है। अज हो की रहा है 1500 तो वध किसान खुदकुशी कर गए, कांग्रेस का चोन मैनीफेस्टो जो तुसी कढ़ के पढ़ो 2017 च जिहदी 100 भी जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साबो की तलवंडी खाधी सी गुटका साहब की, वो ये कहा कि जे कोई परिवार खुदकुशी करेगा असी उन्होंने परिवारों को 10 लाख मदद के तौर पर देवे, तो एक सरकारी नौकरी देवे। उत्तों ये गल भी कही सी कि असी सारिया सोसायटिया का, सारे नैशनलाइज्ड बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंकों का, आड़तियों का कर्जा माफ करा, लीक मार देंगे, कोई कर्जा रह नहीं देवे। ताज़ा मामला सामने आया है कि प्यो पुत्र ने दसूए हल्के संबंधित पिंड मधीपुरा और जुम्मेवार सज्जन, देखो पिंड के नंबरदार भी ने साहब जगतार सिंह, लेट जगतार सिंह जी, पिंड के सरपंच भी रहे हैं, उन्होंने खुदकुशी नोट से अपने च की कहा, मैं 2 मिनट जो पढ़ दिया। मैं जगतार सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पिंड मधीपुर सोसायटी के कर्जे तो दुखी होकर आत्महत्या कर रहा हाँ। जो कांग्रेस सरकार ने कहा सी सारे जमींदारां दा कर्जा माफ करेगी, वो कर्जा साडा बिल्कुल माफ नहीं होया। उन्हें स्पष्ट तौर पर आपदे सुसाइड नोट च कांग्रेस सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया और उहदे पुत्र ने कृपाल सिंह ने मोदी सरकार नूं ते कैप्टन साहब नूं जिम्मेवार ठहराया। तो दुखदाई गल की हो सकती है कि मैं ये तो गल सुनी है कि आड़तियों के कर्जे करके किसी की डेथ होगी, शायद पहली बार ही हो गया कि किसान भी मार्जिनल समॉल फार्मर के अंदर आता है, एक एकड़ तो घट लैंड होल्डिंग है उसकी, ये क्लेम करते कि असी 2.5 एकड़ा तक 5 एकड़ा तक सब का कर्जा माफ करता, तो यह तो चिट्ठी इसे महीने पिछले महीने की है
ਜੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਹਿਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।